इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दैनिक जागरण अखबार की पत्रकार की हत्या कर दी गई है। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई है और आश्चर्य की बात यह है कि घर में घुसकर बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी है। सरपंच की हत्या का मुख्य गवाह था विमल यादव। पत्रकार विमल यादव की मौके पर ही मौत हो गई है और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि घर में चार बदमाश घुस गए और गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में पत्रकार की हत्या कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं, यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इसके बाद वहाँ कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है क्योंकि इकलौता गवाह, जी हाँ, उसके बाद धमकी दी गई और अब बड़ा सवाल यह है कि एक साथ चार बदमाश घर में घुस जाते हैं और गोलियों से भून देते हैं और मौके पर ही पत्रकार की मौत हो जाती है। तो एक दिन पहले ही बिहार के सीएम दिल्ली के दो दिनों के दौरे से वापस लौटे और जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे बिहार में अपराध को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि कल ही कहा था कि बिहार में अपराध ही कहां है। ऐसे में बिहार में पत्रकार विमल यादव की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। संजय जायसवाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है बिहार की। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? बिहार में देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, उन्हें चली में नहीं करे। पासवान समाज के लड़कों की गला रेत कर हत्या की जा रही, कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता? पत्रकारिता के समाज के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, प्रशासनिक लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री लगे हैं दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में, उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीजों। माननीय मुख्यमंत्री जी थके हारे और हताश निराश हैं, जब जंगल राज को वो जनता राज बताने लगे, वो जंगल राज के पुरोधा जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आया है, अपराध भ्रष्टाचार के लिए चरम पर वो मिशन कर चला रहा है, आज अपराध की आंकड़ा घटेगा नहीं, थाने को आपने मना कर दिया, थाना केस नहीं लेता, जो केस करने जाता है उस पर काउंटर केस कराता है, हर दिन इतनी घटनाएं घटित हो रही है, 5000 से ज्यादा लोगों को गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रानीगंज के साधु नगर में और ये वही घर है, आप देख सकते हैं ये घर जो है पत्रकार विमल कुमार यादव का घर है जो दैनिक जागरण के रिपोर्टर थे और यहाँ पे देखिए जो पुलिस जो यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे मीटिंग भी कर रही है, पुलिस यहाँ पे तो वो जांच भी कर रही है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जांच पेपर भी कर रही है और अभी जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं कि विमल यादव की जो है यहाँ पे खून के धब्बे जो लगे हुए हैं, वो खून के धब्बे जो है वहाँ पे कंटिन्यू जो है यहाँ पे ऑफिसियल की टीम जो है जांच भी कर रहे हैं। हालांकि अभी रदिया एसपी भी आए थे लेकिन हालांकि वो पत्रकारों से अभी वो जो है कुछ जो है बोलने से जो है वो अभी जो है ब्रेस कर रहे थे, लेकिन हालांकि अब ये सबसे बड़ा बात है कि बिहार में लगातार जिस तरह से आपराधिक घटना घट रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं कुछ नहीं है, यही वजह है कि आए दिन आपराधिक घटना को अंजाम देने से भी नहीं पुरोसते हैं और यहाँ रानीगंज के दैनिक जागरण के पत्रकार विमल कुमार यादव की जो है गोली मार के अपराधियों ने हत्या कर दी। अरुण कुमार, अररिया न्यूज 24। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।